नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। आज हमने एक नया पाठ सीखेंगे। आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले पेज नंबर 9। पाठ 14 बड़ों की सीख। पाठ 14 बड़ों की सीख, लर्निंग फ्रॉम आवर एल्डर्स। इस पाठ के तथ्य क्या है बच्चों? बड़ों की सीख सीख हमेशा हमारे भले के लिए होती है। शब्दार्थ, बेड शीप, क्या है? शीप। बाड़ा इनक्लोशर, भेड़िया वोल्फ। मालिक स्वामी यानी ओनर। साथी मित्र यानी फ्रेंड। मौका अवसर यानी ऑपर्चुनिटी। चपटना वार कराना to attack, असावधान careless, सामना encounter, हष्ट पुष्ट स्वस्थ healthy यानी robust, कमजोर weak, चार दीवारी four walled boundary, चराना to graze, आसादी से स्वतंत्रता से, बातचीत conversation, घास grass, घूर्णा to growl, पेने शार्प, घायल वाउंडेड, उपचार इलाज यानी ट्रीटमेंट। बेडों की सीख द विस्टम ऑफ आवर एल्डर्स, सुरक्षित सेफ यानी सिक्योर, है ना। अगला मौखिक अभ्यास देखिए बच्चों। मौखिक अभ्यास देखिए बच्चों। मोहन ने क्या पाल रखी थी? मोहन ने क्या पाल रखी थी? क्या है? मोहन ने अनेक भेड़ों पाल रखी थी, है ना। तो अगला, पहाड़ पर और कौन रहता था? पहाड़ पर और कौन रहता था? पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था। मोहन ने भेड़ों के चराना बंद क्यों किया? मोहन ने भेड़ों का चराना बंद क्यों किया? उत्तर, जब भी मोहन भेड़ों को चराने पहाड़ पर ले जाता, उनमें से एक न एक भेड़ को भेड़िया खा जाता था। इसलिए मोहन ने भेड़ों को चराना बंद कर दिया, है ना। मोहन ने भेड़ों को चराने पहाड़ पर ले जाता था, उनमें से एक न एक पेड़ को भेड़िया खा जाता था। इसलिए मोहन ने भेड़ों को चराना बंद कर दिया। अगला लास्ट वन, मौका पाकर भेड़ ने क्या किया? क्या किया? एक दिन मौका पाकर एक भेड़ पहाड़ पर चली गई और आसादी से उछलती कूदती हुई घास चरती रही, है ना। एक दिन मौका पाकर एक भेड़ पहाड़ पर चली गई और आसादी से उछलती कूदती हुई घास चरती रही। अगला विधिदाभ्यास देखिए। मोहन रोज भेड़ों की डैश रहता था। तीन ऑप्शन है, सेवा, दवा, पिटाई। क्या है उत्तर? उत्तर सेवा। क्या है? सेवा। पहाड़ पर एक डैश रहता था। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था। सेकंड वन, भेड़िया रहता था। मोहन ने उस डैश को समझाया। मोहन ने भेड़ को समझाया। तीसरा वन, है ना। अगला, बेडों की सीख हमेशा हमारे डैश के लिए होती है। बेडों की सीख हमेशा हमारे बेले के लिए होती है, है ना। एक बार भी देखिए, मोहन रोज भेड़ों की सेवा करता था। दूसरा, पहाड़ पर एक डैश रहता था। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था। मोहन ने उस डैश को समझाया। मोहन ने उस बेड को समझाया। बेडों की सीख हमेशा हमारे भले के लिए होती है।
अगला सही वाक्यों पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले मोहन भेड़ों को रोज नहलाने ले जाता था, गलत है ना। दूसरा, एक भेड़ पहाड़ पर जाकर आसादी से घूमना और चरना चाहती थी, ठीक है। मोहन ने भेड़ को टांटा, गलत है। भेड़ मालिक से बोली कि अब वह कभी उस पहाड़ पर नहीं जाएंगी। भेड़ मालिक से बोली कि अब वह कभी उस पहाड़ पर नहीं जाएंगी, सही है ना बच्चों। एक बार भी, मोहन भेड़ों को रोज नहलाने ले जाता था, गलत है। एक भेड़ पहाड़ पर जाकर आसादी से घूमना और चरना चाहती थी, सही है। मोहन ने भेड़ को टांटा, गलत है। भेड़ मालिक से बोली कि अब वह कभी उस पहाड़ पर नहीं जाएंगी, सही है। तो अगला प्रश्नों के उत्तर। मोहन कहाँ रहता था और उसने भेड़ों के लिए क्या प्रबंध कर रखा था? उत्तर देखिए, मोहन एक पहाड़ी गांव में रहता था। उसने अनेक भेड़ों पाल रखी थी। उसने उनके लिए एक चारदीवारी घड़ी करके बड़ा भी बना दिया था, ताकि भेड़ बाहर न जा सके। वह उनको रोज चराने ले जाता था। देखिए बच्चों, मोहन एक पहाड़ी गांव में रहता था। उसने अनेक भेड़ें पाल रखी थी। उसने उनके लिए एक चारदीवारी घड़ी करके बड़ा भी बना दिया था, ताकि भेड़ें बाहर न जा सके। वह उनको रोज चराने ले जाता था। प्यारी सी भेड़ की क्या इच्छा थी? प्यारी सी भेड़ की क्या इच्छा थी? उत्तर देखिए, मोहन की एक प्यारी सी भेड़ पहाड़ पर जाकर आसादी से घूमना और चरना चाहती थी, यही उसकी इच्छा थी। क्या है? मोहन की एक प्यारी सी भेड़ पहाड़ पर जाकर आसादी से घूमना और चरना चाहती थी, यही उसकी इच्छा थी। अगला, मोहन ने उस भेड़ को क्या समझाया? उत्तर, मोहन ने उस भेड़ को समझाया, पहाड़ पर एक भेड़िया रहता है। जैसा कि तुम जानती हो, वह तुम्हारे कई साथियों को मारकर खा गया है, इसलिए तुम वहां मत जाना, है ना। मोहन ने उस भेड़ को समझाया, पहाड़ पर एक भेड़िया रहता है। जैसा कि तुम जानती हो, वह तुम्हारे कई साथियों को मारकर खा गया है, इसलिए तुम वहां मत जाना। अगला, उस भेड़ ने भेड़िए से कैसे छुटकारा पाया? देखिए, मालिक की बात न मानकर एक दिन प्यारी भेड़ मौका पाकर पहाड़ पर चली गई। वह आसादी से उछलती कूदती और घास चरती रही। उसी समय वहां भेड़िए के घुरने की आवाज सुनाई थी। भेड़ ने भेड़ियों को देख लिया। भेड़िया उस पर चपटने ही वाला था, लेकिन भेड़ किसी तरह भागने में सफल हो गई। भेड़िया असावधान होने की वजह से गाय में गिर गया। इस तरह उस भेड़ ने भेड़ियों से छुटकारा पाया। लास्ट वन, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि
बड़ों की सीख हमेशा हमारे भले के लिए होती है। हमें उनकी सीख अवश्य माननी चाहिए, है ना। अगला, नीचे लिखे वाक्यांशों में आपस में मिलाइए। देखिए बच्चों, एक पहाड़ी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था, है ना। एक पहाड़ी गांव में मोहन नामक एक आदमी रहता था। अगला, मोहन ने भेड़ें पाल रखी थी। मोहन ने भेड़ें पाल रखी थी। अगला, भेड़िया भेड़ों का शिकार करता था, है ना। लास्ट वन, मोहन ने भेड़ों को पहाड़ पर न जाने की सीख दी। मोहन ने भेड़ों को पहाड़ पर न जाने की सीख दी। एक बार भी देखिए, एक पहाड़ी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन ने भेड़ें पाल रखी थी। भेड़िया भेड़ों का शिकार करता था। मोहन ने भेड़ों को पहाड़ पर न जाने की सीख दी, है ना। अगला वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगला अभ्यास देखिए। सबसे पहले मौका, क्या है मौका? देखिए बच्चों, मौका मिलने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए। मौका मिलने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला, कमजोर, रोगी का शरीर कमजोर रहता है। रोगी का शरीर कमजोर रहता है। अगला, उपचार, रोगी का उपचार डॉक्टर करता है। रोगी का उपचार डॉक्टर करता है। सुरक्षित, माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रहते हैं। माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, है ना। तो अगला, शब्द ज्ञान। देखिए, नीचे लिखे शब्दों से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल, मूल शब्द किसी शब्द का बुनियादी रूप है। रूप अथवा वह शब्दों जो अन्य शब्दों का मूल आधार हो। एग्जाम्पल, असमानता। देखिए शब्द, देखिए असमानता। उपसर्ग अ, सबसे पहले आते शब्द अ। मूल शब्द क्या है? सामान, मूल में आने वाले शब्द, मूल शब्द। प्रत्यय अंत में आने वाले शब्द था। देखिए असमानता। देखिए बच्चों, असमानता। देखिए बच्चों, सजीवता। देखिए उपसर्ग स, है ना, स। मूल शब्द जीव, प्रत्यय ता, सजीवता, है ना। अगला शब्द प्रादेशिक। देखिए उपसर्ग प्रा, मूल शब्द देश, प्रत्यय इक, प्रादेशिक। अगला, असामाजिकता। देखिए उपसर्ग आ, मूल शब्द समाज, प्रत्यय इक ता, सामाजिकता। अगला, सुरक्षित, उपसर्ग सु, मूल शब्द रक्षा, प्रत्यय इत। अगला, ग्रामर, विस्मयादि बोधक। जो आविकारी शब्द शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को दर्शित है, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। क्या है? जो अविकारी शब्द जो शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को दर्शित है, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। देखिए बच्चों,
शाबाश, धन्य, वाह वाह, हाय हाय, हाय राम, ओफ ओह, बाप रे बाप, ची ची, धिक्कार है, हरे आदि। ये शब्द विस्मय आदि बोधक शब्द है। जैसे हाय राम, ये क्यों, ये क्या हो गया, है ना। अगले देखिए बच्चों, नीचे लिखे विस्मयादि बोधक शब्दों से वाक्य बनाइए। शाबाश, देखिए देखिए बच्चों, शाबाश शाबाश, यह बहुत ही सुंदर चित्र है। ये शब्द शाबाश शाबाश, यह बहुत ही सुंदर चित्र है, है ना, एक वाक्य। अरे देखिए, अरे तुम क्या कब आए, अरे तुम यहाँ कब आए। अगला, जी हाँ जी हाँ, हम कल परियोजना प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ हम कल परियोजना प्रस्तुत करेंगे। लास्ट वन, बाप रे बाप रे बाप, इतनी तेज आधी, बाप रे बाप, इतनी तेज आधी, है ना। तो अगला देखिए बच्चों, लिखना, बड़ों का आदर किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। देखिए, हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। सुबह उठते ही रोज माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, वे जो सलाह देते हैं हमें उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। पाठशाला में शिक्षक जो सिखाते हैं उसे ध्यान से सुनना चाहिए। शिक्षकों के साथ नर्म भाव रखना चाहिए। उम्र से बड़े लोगों की बात में सच्चाई और अच्छाई होती है, उसी के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलेगी, है ना। एक बार भी देखिए, हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। सुबह ही उठते ही रोज माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। वे जो सलाह देते हैं हमें उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। पाठशाला में शिक्षक जो सिखाते हैं उसे ध्यान से सुनना चाहिए। शिक्षकों के साथ नम्र भाव रखना चाहिए। उम्र से बड़े लोगों की बात में सच्चाई और अच्छाई होती है, उसी के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलेगी, है ना बच्चों। तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।